गोंडा में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा घमंड और गुरूर से बाहर निकले कांग्रेस। गोंडा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास खंड झंझरी के ग्राम पंचायत इमरती विसेन में मंत्री श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश अनिल राजभर की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी का वितरण किया गया। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपी गई। अनिल राजभर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते ही नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। इसके बाद उन्होंने इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ा। इसी का नतीजा है कि जनता पिछली सरकारों पर विश्वास नहीं करती थी, परंतु अब लोगों को इस सरकार पर पूरा विश्वास है। ये सरकार सभी लोगों का समान रूप से विकास कर रही है, लोगों का विश्वास निरंतर बना हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को घमंड और गुरूर है कि सत्ता सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है, ये उनका गुरूर जा नहीं रहा है। जनता बार बार उनको सबक सिखा रही है। मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि वो बंद कमरे से बाहर निकलें और सड़क पर उतरें, कभी किसी गांव में जाएं, जनता से मिलें तो जनभावना है, उसे अवगत तो हो। वो तो बंद कमरे में रहती हैं, ट्विटर पर राजनीति करती हैं। भारतीय कुश्ती संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संजय सिंह बबलू को मिली जीत को लेकर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि एक बड़े पद पर संजय सिंह बबलू को जीत मिली है और उम्मीद है कि भारतीय कुश्ती संघ को एक नई दिशा मिलेगी और भारत की कुश्ती ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और जो कुश्ती ठप पड़ी थी अब वो फिर से शुरू होगी और भारत के पहलवान देश और विदेश में खेल करके भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं संजय सिंह बबलू को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। उनको देश के पहलवानों और मतदाताओं ने ऐतिहासिक वोट देकर विजयी बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मंत्री, आपने मंच से कहा कि जिस तरीके से हमको 2047 तक विकसित करना देना, ताकि कौन पार्टियां भारत को विकसित करने में बाधा हो रही है? नहीं, आप देख रहे हैं कुछ दिन से कैसा व्यवहार प्रतिपक्ष का है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी लोग अभी मतलब उस संकीर्ण मानसिकता से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो घमंड और गुरूर उनको अंदर दिखाई देता है, अभी भी एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज का बेटा, एक अति पिछड़े समाज का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। ये गले से नहीं कांग्रेस पार्टी को उतर रहा है और इतना से भी पेट नहीं भरा तो महामहिम राष्ट्रपति जो हमारी जनजाति महिला हैं उनके खिलाफ अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोगों ने किया। बची कुची बात, हमारे उपराष्ट्रपति जो हमारे पिछड़े समाज के हैं, जाट परिवार के हैं, जाट समाज से हैं, उनको किस तरह से अपमानित लोग कर रहे हैं। तो ये जो इनका घमंड है, इनका गुरूर है कि सत्ता सिर्फ हमारे लिए बनाई गई, ये उनका गुरूर जा नहीं रहा है। घमंड ये उनका जा नहीं रहा है। जनता बार बार उनको सबक सिखा रही है, लेकिन हम लोग जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। अभी देश में कुछ चुनाव संपन्न हुए हैं, पूज्य मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से और दिन पे दिन बढ़ रही है, ये बात प्रतिपक्ष को नहीं पच रही है, लेकिन हम लोग तो अभिनंदन करना चाहते हैं सम्मानित जनता का। मंत्री जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने के प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अब नीतीश कुमार नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बैठक में समोसा तक नहीं दिया गया, किस तरीके देख रहे हैं इस गठबंधन? ये आपस में लाठी चलाएंगे, सर फुटवल करेंगे, ये कोई गठबंधन उठबंधन चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक जनता की सवाल है, तो ना ही इस गठबंधन की कोई स्वीकार्यता है जनता के बीच में और ना ही गठबंधन के नेताओं की कोई स्वीकार्यता जनता के अंदर है। तो इस तरह की ये सब ऐसे ही करते रहेंगे और 400 से ज़्यादा सांसद जीत कर 2024 में आएंगे भाजपा के, और पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। इनके चेहरे बार बार जनता के बीच में उजागर हो चुके हैं, इनके नीयत क्या है ये भी जनता समझती है। तो ये एक नहीं 10 गठबंधन बना लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गठबंधन तो बनना नहीं है, आपस में बार बार ये लाठी चलाते हैं, है ना, तो आप परिणाम भी देख रहे हैं सामने। मंत्री, जिस तरीके से मायावती ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के आड़ में ओछी और गिरी वाली मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं। मायावती जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा बंद कमरे से वो बाहर निकलें
और कभी सड़क पर उतरें, कभी किसी गांव में जाएं, जनता से मिलें, तो जो जन भावना है उससे अवगत तो हों। जन भावना है क्या, उसको जानने का प्रयास तो करें बहुजन समाज पार्टी की नेता। वो तो बंद कमरे में रहती हैं, ट्विटर पे राजनीति करती हैं, सोशल मीडिया पे राजनीति कर रही हैं मायावती जी। वो बाहर आवें तब उनको पता लगेगा कि जन भावना क्या है, भारत की जो जनता है उसकी श्रद्धा और आस्था किस तरह से भगवान श्री राम के अयोध्या जी से जुड़ी हुई है, उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा उनको कैसे लगेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, अब भाजपा वाले भगवान राम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मुझे निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के बयान? नहीं, अभी काफ़ी दिन है, अभी से कैसे मान लिए, वो छोटा मन न करें, छोटा बड़ा मन करके रखें, और अभी से कैसे मान लें कि उनको आमंत्रण नहीं मिला है। उम्मीद रखना बहुत दूर है, उनको उम्मीद रखना चाहिए। जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे और इंडिया की जीत होगी, सामाजिक न्याय जीत होगी और ये पीडीएफ की सभी सफलता मिलेगी। नहीं, 400 विधानसभा तो जीत ही रहे थे 22 में, कहाँ खड़े हैं आप भी देख रहे हैं, तो वही हश्र होगा लोकसभा में भी। मंत्री, जिस तरीके से आप सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवाते हैं, तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी करके संभाल रहे हैं, तो उनके बाद कौन संभालेगा, उनके तरीके कौन करवाते हैं आप लोग? देखिए, उनका असल में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीतियों से, यहाँ के परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करना है ना। वो अपना घमंड छोड़ दें और जनभावनाओं से को पहचानने का प्रयास करें, जनता के बीच में जाएं, और गुरूर घमंड से राजनीति नहीं होती। हम लोगों की शुभकामना उनके लिए है, लेकिन मेहनत करें, काम करें, नकारात्मक जो उनकी सोच है उसको छोड़ें। भारत की सामूहिक विवाह नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े उससे कहा, सकारात्मक तरीके से उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई आप हमारी कमी निकालिए और जनता के बीच में लेकर उसको जाइए, आप सकारात्मक राजनीति करिए। और सामूहिक विवाह तो अगर सोनिया जी उनके लिए दुल्हन खोज दें तो हम लोग तो सामूहिक विवाह कर ही रहे हैं। आप प्लान में है, योजना नहीं, प्लान नहीं, हम तो भाई वो आएंगे, योजना आवेदन करेंगे तो हम विचार करेंगे, हमारा विभाग विचार करेगा। मंत्री, जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी में जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो यार 24 लोकसभा चुनाव को इस यात्रा किस तरीके से आप देख रहे हैं? कोई कांग्रेस का एक भी आदमी कहीं है नहीं, कोई कार्यकर्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो उच्च सदन है हमारा, आज कांग्रेस मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम लेने के लिए उनका एक विधायक बचा है। ये कौन सा यहाँ काम, उत्तर प्रदेश की धरती पर कहाँ कांग्रेस है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। मंत्री, जिस तरीके से WFI का चुनाव हो रहा है, आपके बनारस के रहने वाले संजय सिंह ने एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए WFI के अध्यक्ष चुने गए, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे बधाई दे रहे हैं उनको? ठीक है, जो उसमें सम्मानित मेंबर हैं, जो उसके मतदाता हैं, उन्होंने संजय जी को मतदान किया है, अपना लीडर चुना है, हमारी शुभकामना है। किस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से कुश्ती की लगातार गतिविधियां बंद थी, अब चुनाव होने से किस तरीके से देख रहे हैं कि चालू है? अपने रूटीन पर वो लोग लौटें और देश के लिए अच्छे खिलाड़ी खड़ा करें, यही प्रयास है, यही काम भी उनका है। आज खिलाड़ियों ने बड़ा देश का मान बढ़ाने का काम किया है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे एशियाड अभी हुआ, आपने देखा कि नया रिकॉर्ड भारत की खिलाड़ियों ने, हमारे साथियों ने किया है, तो उसमें योगदान करें। थैंक यू बहुत। मंत्री जी, आप जनजाति महिला हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोगों ने किया। बची कुची बात, हमारे उपराष्ट्रपति जो हमारे पिछड़े समाज के हैं, जाट परिवार के हैं, जाट समाज से हैं, उनको किस तरह से अपमानित लोग कर रहे हैं। तो ये जो इनका घमंड है, इनका गुरूर है कि सत्ता सिर्फ हमारे लिए बनाई गई, ये उनका गुरूर जा नहीं रहा है, घमंड ये उनका जा नहीं रहा है। जनता बार बार उनको सबक सिखा रही है, लेकिन हम लोग जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। अभी देश में कुछ चुनाव संपन्न हुए हैं, पूज्य मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से और दिन पे दिन बढ़ रही है, ये बात प्रतिपक्ष को नहीं पच रही है, लेकिन हम लोग तो अभिनंदन करना चाहते हैं सम्मानित जनता का। मंत्री जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को PM बनाने के प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अब नीतीश कुमार नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बैठक में समोसा तक नहीं दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इस गठबंधन? ये आपस में लाठी चलाएंगे, सर फुटवल करेंगे, ये कोई गठबंधन उठबंधन चलने वाला नहीं है। और
जहाँ तक जनता की सवाल है, तो ना ही इस गठबंधन की कोई स्वीकार्यता है जनता के बीच में, और ना ही गठबंधन के नेताओं की कोई स्वीकार्यता जनता के अंदर है। तो इस तरह की ये सब ऐसे ही करते रहेंगे, और 400 से ज़्यादा सांसद जीतकर 2024 में आएंगे भाजपा के, और पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। इनके चेहरे बार बार जनता के बीच में उजागर हो चुके हैं, इनकी नीयत क्या है ये भी जनता समझती है। तो ये एक नहीं 10 गठबंधन बना लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गठबंधन तो बनना नहीं है, आपस में बार बार ये लाठी चलाते हैं, है ना, तो आप परिणाम भी देख रहे हैं सामने। मंत्री, जिस तरीके से मायावती ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के आड़ में ओछी और गिरी वाली मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं। मायावती जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा बंद कमरे से वो बाहर निकलें, और कभी सड़क पर उतरें, कभी किसी गाँव में जाएँ, जनता से मिलें, तो जो जन भावना है उससे अवगत तो हों। जनभावना है क्या, उसको जानने का प्रयास तो करें बहुजन समाज पार्टी की नेता। वो तो बंद कमरे में रहती हैं, ट्विटर पे राजनीति करती हैं, सोशल मीडिया पे राजनीति कर रही हैं मायावती जी। वो बाहर आवें तब उनको पता लगेगा कि जनभावना क्या है, भारत की जो जनता है उसकी श्रद्धा और आस्था किस तरह से भगवान श्री राम के अयोध्या जी से जुड़ी हुई है, उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, इसका अंदाज़ा उनको कैसे लगेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, अब भाजपा वाले भगवान राम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मुझे निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के बयान? नहीं, अभी काफ़ी दिन है, अभी से कैसे मान लिए, वो छोटा मन न करें, छोटा बड़ा मन करके रखें, और अभी से कैसे मान लिए कि उनको आमंत्रण नहीं मिला है, उम्मीद बहुत दूर है, उनको उम्मीद रखना चाहिए। जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे, और इंडिया की जीत होगी, सामाजिक न्याय जीत होगी, और ये पीडीएफ की सही सफलता मिलेगी। नहीं, 400 विधानसभा तो जीती रहे थे 22 में, कहाँ खड़े हैं आप भी देख रहे हैं, तो वही हश्र होगा लोकसभा में भी। मंत्री, जिस तरीके से आप सामूहिक विवाह करवाते हैं, तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी करके संभाल रहे हैं, तो उनके बाद कौन संभालेगा, उनके तरीके कौन करवाते आप लोग? देखिए, उनका असल में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीतियों से, यहाँ के परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करना है, है ना, वो अपना घमंड छोड़ दें और जनभावनाओं से को पहचानने का प्रयास करें, जनता के बीच में जाएं, और गुरूर घमंड से राजनीति नहीं होती। हम लोगों की शुभकामना उनके लिए है, लेकिन मेहनत करें, काम करें, नकारात्मक जो उनकी सोच है उसको छोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े उससे कहा, सकारात्मक तरीके से उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई आप हमारी कमी निकालिए और जनता के बीच में लेकर उसको जाइए, आप सकारात्मक राजनीति करिए। और सामूहिक विवाह तो अगर सोनिया जी उनके लिए दुल्हन खोज दें तो हम लोग तो सामूहिक विवाह कर ही रहे हैं। आप प्लान में है, योजना नहीं, प्लान नहीं, हम तो भाई वो आएंगे, योजना आवेदन करेंगे तो हम विचार करेंगे, हमारा विभाग विचार करेगा। मंत्री, जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी में जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो यार 24 लोकसभा चुनाव इस यात्रा किस तरीके से आप देख रहे हैं? कोई कांग्रेस का एक भी आदमी कहीं है नहीं, कोई कार्यकर्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो उच्च सदन है हमारा, आज कांग्रेस मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम लेने के लिए उनका एक विधायक बचा है। ये कौन सा यहाँ काम, उत्तर प्रदेश की धरती पर कहाँ कांग्रेस है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। मंत्री, जिस तरीके से WFI का चुनाव हो रहा है, आपके बनारस की रहने वाले संजय सिंह ने एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए WFI के अध्यक्ष चुने गए, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे बधाई दे रहे हैं उनको? ठीक है, जो उसमें सम्मानित मेंबर हैं, जो उसके मतदाता हैं, उन्होंने संजय जी को मतदान किया है, अपना लीडर चुना है, हमारी शुभकामना है। किस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से कुश्ती की लगातार गतिविधियां बंद थी, अब चुनाव होने से किस तरीके से देख रहे हैं कि चालू है, अपने रूटीन पर वो लोग लौटें और देश के लिए अच्छे खिलाड़ी खड़ा करें, यही प्रयास है और यही काम भी उनका है। आज खिलाड़ियों ने बड़ा देश का मान बढ़ाने का काम किया है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे एशियाड अभी हुआ, आपने देखा कि नया रिकॉर्ड भारत के खिलाड़ियों ने, हमारे साथियों ने किया है, तो उसमें योगदान करें। ठीक।